Hello everyone. So today's video will be discussing on the pathology which is called as sciatica. Okay, तो ये जो pathology है ये actually sciatic nerve जो होती है हमारी lower limb को जो innervate करती है posterior side of the leg, ठीक है. तो ये lumbosacral plexus से निकलती है. हम इसके anatomy में भी देखेंगे और उसकी pathology के कारण क्या problem हो सकती है वो भी देखेंगे कि sciatica actually sciatic nerve की compression को कहते हैं या कोई pathology हो तो उस करके पेन होता है, लोअर बैक पेन स्टार्ट होता है, शूटिंग पेन होता है, तो हम उसको सियाटिका कहते हैं, ठीक है. तो ये मोस्ट कॉमन है, मतलब बीमारी है, मोस्ट कॉमन है इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो अब क्या होता है, सियाटिका इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेन अफेक्टिंग द सियाटिक नर्व एज आई टोल्ड यू एंड लार्ज नर्व एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर लोअर बैक ऑफ द ईच लेग. सो ये सियाटिक नर्व जो है उसके उसकी जब उसमें जब कंप्रेशन होती है तो जो पेन उठता है हमको उस नर्व के दबने के कारण जहाँ से वो निकल रही है स्पाइनल जिस वर्टेब्रल लेवल से वो निकल रही है स्पाइन से, तो और ये सप्लाई कहाँ एक्सटेंड करती है, लोअर बैक से लेके पूरे पैर तक, ठीक है. तो फर्दर इसका डिवीजन हो जाता है दो ब्रांचेस में, ठीक है, टीबीएल और फिबुलर में, ठीक है. तो ये चीज़ है. तो अब सियाटिका के बारे में हम इसकी इसके जो कॉजेज होते हैं वो हम देख लेते हैं और इसकी बेसिक एनाटॉमी भी देख लेते हैं. इसकी बेसिक एनाटॉमी अगर देखोगे तो लंबर प्लेक्सस अगर पड़ा होगा, लंबोसैक्रल प्लेक्सस, तो ये जो निकलती है सियाटिक नर्व हमारी, ये L4, L5, ये ग्रीन फाइबर्स देखना, ये वाली है नर्व, ठीक है ना. इसके दो बंडल्स होते हैं, कॉमन पेरोनियल और टीबियल. तो L4, L5, S1, S2, S3, ठीक है. तो यहाँ तक ये निकलती है, ठीक है. तो L4 से लेके S3 लेवल तक इसका ओरिजिनेशन है, ठीक, इतना क्लियर. तो ये इसकी मतलब एनाटॉमी है बेसिकली. इसके बाद ये पीछे पोस्टीरियरली जाती है, ठीक है, पेरिफॉर्मिस मसल के नीचे से जाती है इन्फीरियरली, ठीक. पहले ग्रेटर सियाटिक फोरामेन में से, फिर पेरिफॉर्मिस में से इन्फीरियरली, उसके बाद ग्लूटियस से होते हुए ये सीधे पोस्टीरियर थाई में जाके पोस्टीरियर पोप्लीटियल लेवल पे जाके डिवाइड हो जाती है टीबियल और कॉमन पेरिनियल में, ठीक है ना. देखो इसका भी डायग्राम देख लो, जैसा कि ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये देखो ये. तो ये जैसा मैंने बताया, अभी ऊपर से जब स्पाइन से निकलेगी तो ये यहाँ से निकलेगी पेरिफॉर्मिस इसके नीचे से, ठीक है, और इसे फर्दर सियाटिक यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांचेस में, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस में से भी होता हुआ, ठीक है. अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं सियाटिक नर्व के, इसके कारण क्या है. तो बेसिक इसका कारण ये है कि जब ये नर्व कंप्रेस होगी तो पैथोलॉजी यही है कि नर्व के कंप्रेशन के कारण हो रहा है. तो अब ये कंप्रेशन किस कारण से हो रहा है, तो पहला तो लंबर स्पाइन स्टेनोसिस हो जाए, स्पाइनल कैनाल जो हमारी होती है वो नैरो हो जाए, स्पाइनल डिस्क में हर्निएशन हो जाए. हर्निया मतलब जैसे ये एग्जांपल की इमेज देखो, जैसे ये डिस्क है ना तुम्हारी, इसमें देखो, तो ये जो ये तुम्हारी ये वर्टिब्रल डिस्क है, इंटर वर्टिब्रा दो वर्टिब्रा के बीच में, ये दो वर्टिब्रा है इनके बीच में जो डिस्क है, इसमें जब हर्निएशन हो जाता है मतलब प्रोलोंगेशन हो जाती है या प्रोट्यूजन हो जाता है डिस्क का, तो ये नर्व जो यहां से निकल रही है ना L4 से लेके तुम्हारी S3 तक, तो उस लेवल में अगर कहीं भी कंप्रेशन हुआ तो किसी भी रूट, ये रूट है जहाँ से निकल रही है तो ये दब रही है, तो जिसके कारण से पेन उठेगा, ठीक है ना, पेन उठेगा और जो उसका फंक्शन है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो यही है बेसिक. फिर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता है जिसमें एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के ऊपर स्लिप कर जाती है, ठीक. प्रेगनेंसी में होता है क्योंकि लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं जिसके कारण वर्टेब्रा की स्लिप हो सकती है, कंप्रेस हो सकता है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में कॉज हो सकता है. फिर नर्व ट्यूमर्स हो सकते हैं, स्वानोमा, जैसे कोई ट्यूमर हो गया, न्यूरल ट्यूमर हो गया, उसके कारण कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना. तो ये कॉजेज़ हो सकते हैं, मतलब ये बेसिक कॉजेज होंगे जो हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना. अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की. तो रिस्क फैक्टर्स पेशेंट में क्या होगा, एजिंग से ज़्यादा मिलेगा, मेल में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ओवरवेट है पेशेंट तो ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, और कोई ऐसी वर्किंग कंडीशन है जिसमें ज़्यादा देर तक ड्राइविंग कर रहा है या कोई भारी सामान उठा रहा है, ठीक है ना, एंड द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, ठीक है. अब इसके बाद साइन सिम्टम्स क्या होगा, मतलब वैसे पता है पीछे की तरफ है ये नर्व है, ये एक्चुअली मोटर इनर्वेशन, बेसिकली ये मोटर इनर्वेशन करती है मोस्ट प्रॉब्ली, बट इसका सेंसरी इनर्वेशन स्टार्ट होता है जब इसकी डिवीजन होती है फिबुलर और टीबियल में. तो फिबुलर और टीबियल एक्चुअली नीचे जाके लेग में फिर वो सेंसेशन वाली सप्लाई करती है, बट ये बेसिकली मसल्स को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर मसल्स को ऑफ द थाई, ठीक. तो अब इसमें क्या होगा, शूटिंग पेन होगा, सबसे पहले सिम्टम यही होता है, शूटिंग पेन से आता है पेशेंट,
ठीक है। और ये कहाँ से रेडिएट होगा, पहले तो लोअर बैक से, मतलब लंबर स्पाइन से, लंबर लेवल से, फिर लेग की तरफ जाता हुआ जाएगा, फिर जहाँ जहाँ सियाटिक नर्व इनर्वेट करेगी वहाँ वहाँ पेन जाएगा। तो बेसिकली पोस्टीरियर साइड ऑफ द थाई पे ये पेन उठेगा, और ये बेसिकली एक साइड होता है, यूनिलैटरल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब इसमें क्या होगी, नमनेस होगी, मतलब पूरा सुनपन हो जाएगा, मसल्स एकदम उठेंगी नहीं, वीकनेस हो जाएगी, टिंगलिंग होगी, झुनझुन जैसा लगेगा, ठीक है ना। हिप पेन होगा, हिप में भी पेन होगा क्योंकि उधर से ही सप्लाई हो रही है, और लोअर बैक पेन होगा, ऐसा मैंने बताया, ठीक है। तो ये बेसिक शूटिंग पेन एक वर्ड है जो मतलब शूटिंग जैसा पेन होगा, मतलब किसी ने गोली मार दी उस टाइप का पेन होगा, इतना दर्द होता है, ठीक। अब इसकी डायग्नोसिस करनी होती है तो हम बेसिकली एक्सरे करवाते हैं, उसमें नहीं पता लगता तो हम एमआरआई के लिए जाते हैं या सिटी स्कैन के लिए जाते हैं। तो एमआरआई में दिख जाता है अगर कोई वर्टेब्रल प्रॉब्लम है तो वो हो सकती है। एक कॉज और होता है, वो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है। ये जब पेरिफॉर्मिस मसल जब कंप्रेस करने लगती है नर्व को, क्योंकि उसके नीचे से जाती है सियाटिक नर्व, तो उस कंडीशन को हम पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो उसके कारण भी सियाटिका के चांसेस हो जाते हैं। अब उसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकते हैं। अब बाकी जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फिजिकल टेस्ट, उसमें एक स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट होता है, ठीक है। स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट होता है जिसमें हम पैर को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। पैर को कितना उठाते हैं, 30 से लेकर 70 डिग्री तक, ठीक है। इतना मतलब रेस करेंगे, पेशेंट सिंपली लेटा होगा तो हम उसके लेग को कहेंगे कि हिप जॉइंट से उसको ऊपर उठाने को। तो 30 से 60 डिग्री के बीच में अगर उसको पेन हो जाता है तो इसको लसीक्स मैनूवर कहते हैं। अगर पेन उसको हो रहा है तो लसीक्स साइन पॉजिटिव कही जाती है, ठीक है। एक ये होता है, अगर पेरिफॉर्मिस के कारण है हम उसको बेंड की तरफ करवाते हैं, मतलब पैर को एक तरफ मोड़ने को कहते हैं, मतलब एक जिस तरफ दर्द है उस पैर को कहते हैं कि थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ो, तो दर्द उठता है, तो हम पेरिफॉर्मिस को फ्लैप टेस्ट कहते हैं, शायद नहीं, फेयर टेस्ट कहते हैं उसको, फेयर टेस्ट कहते हैं, ठीक है, उसको फेयर टेस्ट कहते हैं, ठीक। एक ये होता है, उसके बाद एक स्लम टेस्ट होता है, ये डायग्राम देख लो इसमें दिखेगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सीट पर बैठाते हैं, बेंड करवाते हैं नेक को डाउनवर्ड, लेग को स्ट्रेट कराते हैं जिसमें पेन है, ठीक है, और टोज़ को अपवर्ड करवाते हैं, मतलब ये देख रहे हो ना, ये टोज़ अंदर की तरफ। फिर पेन, अगर स्ट्रेचिंग पेन असाइड, इफ़ यू हैव पेन दैट रन्स फ्रॉम योर बैक, मतलब पेन अगर बैक से आ रहा है, फिर बटक्स में जा रहा है, बट्स में, उसके बाद लेग में, और उसके बाद मतलब पूरे लेग में फिर जा रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं मे हैव सियाटिका। तो एक स्लम टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं फिजिकल टेस्ट डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली सियाटिका यही है, नर्व रूट कंप्रेशन ऑफ सियाटिक नर्व, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो फॉर नोट्स एंड अदर थिंग्स, ओके, थैंक यू।